यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। निवात महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु। वचन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन का भेद हमारे लिए खोलिए, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि आपका रहस्य जो हमारे लिए प्रभु यीशु खुल जाए यीशु, और हमारा पाओ के लिए दीपक और मार्ग का उजाला बने। धन्यवाद करते हैं अपना रेवलेशन के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है बिब्लिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लोइंग द शोफा। हमें इसराइली कपल एक समय गिफ्ट किया है। मेरे पास छोटा सा शोफा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज द शोफा। ये एक शोफा है, ये इसराइली शोफा बोलते हैं, तूरी बोलते हैं हिंदी में, नरसिंगा भी लिखा है कई जगह। एक छोटा सा एक साइज का एक सैंपल के लिए ये शोफा है, और लेकिन यहाँ पे बड़े सारे साइज की होते हैं, बड़े सारे रेंज की होती है, बड़े सारे इसका जो भेड़ का जो सींग होता है, रैम्स ऑन, ये रैम्स ऑन से बनता है, और फिर उसका जो भेड़ का जो सींग का क्वालिटी के ऊपर, उसका फिनिश के ऊपर और उसके कामकाज के ऊपर, बहुत सारे विषय के ऊपर इसका कीमत होता है। और ये एक शोफा जो इसराइली लोग ब्लो करते थे, और इसके काफी लंग कैपेसिटी, ये फेफड़ों का बहुत ताकत चाहिए होता है, और एक खास मकसद के लिए फूका जाता है। और बाइबल से हम देखेंगे क्यों ये शोफा बजाया जाता है, क्यों ये तूरी फूका जाता है और क्यों उसका महत्व क्या है, बाइबल के आधार पर आज हम देखेंगे। बाइबल में जो है ये शोफा जो है, खास करके अभी तो सोशल मीडिया इतना प्रभावित हो गया है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आ चुका है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन इसराइल में उस समय ये शोफा बजाना, ये जो तूरी बजाना, ये किस लिए? टू कम्युनिकेट द मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस। कोई अपने इसराइली लोग को किसी प्रकार का संदेश देना है या किसी प्रकार का जो अनाउंसमेंट करना है, बहुत सारे जो कारण के वजह से ये शोफा ब्लो किया जाता है। दे यूज टू ब्लो द शोफा फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, और लोगों को, इसराइली लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए भी शोफा बजाते हैं। आप देखते होंगे एक स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके हाथ में, उनके गले में एक सीटी लटका होता है। देर इज ऑलवेज अ विसल इन पीटी टीचर्स, अराउंड पीटी टीचर्स नेक, गर्दन के उसमें एक गले में एक सीटी लटका होता है। जो भी वो बात करना है, ज्यादातर सीटी के आवाज से आपको बच्चों को वो बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, टीम्स आफ्टर टीम्स, बहुत सारे, कितना चिल्लाएंगे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर वो सीटी इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एडुकेशन टीचर्स। छोटा सा बेबी को आपने देखा हो कभी, 1 साल के नीचे, 8 मंथ्स हो, 7 मंथ्स हो, 6 मंथ्स, छोटा सा बेबी को अब जब बोलना नहीं शुरू किया, वो अपना रोने का आवाज अलग अलग
साउंड से वो अपना भाषा अपने माँ बाप को, जो अपना घर में जो और सदस्य है, उनको अपना रोने का साउंड, अलग अलग साउंड के द्वारा अपना भाषा प्रकट करेगा। जानवरों को अलग अलग तरीका वो प्रकट करेंगे, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, समटाइम्स थ्रू देयर टेकिंग आउट साउंड। सो देर आर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इस तरह से हम देखेंगे, जल्दी से कुछ वचन देखेंगे, इजरायली लोग शोफा क्यों ब्लो करते थे। सबसे पहले मैं कुछ अलग अलग घटनाओं में शोफा बजाता था। निर्गमन 19:16-19, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर नरसिंह का बड़ा भारी भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुआं से भर गए और वो धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहे थे। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उनको उत्तर दिया। हालेलुया। सो द फर्स्ट टाइम दिस शोफा ब्लो किया, जो कब किया, नरसिंगा, जब शब्द बढ़ता हुआ भारी होता गया तब मूसा ने बोला, और मूसा का जो प्रश्न है परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया। सो वी सी हियर इन एक्सोडस चैप्टर 19 और 16-19, गॉड आंसर्ड मोसेस क्वेश्चंस। परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते हैं कि कैसे नरसिंह फूंकते हुए, उनका शब्द बढ़ते हुए, और वो पर्वत आग से भरे हुए, और इसराइली लोग मूसा के द्वारा परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाया। हालेलुया। और इस प्रकार से वी सी दैट गॉड विल स्पीक टू अस। हालेलुया। ही विल कम टू अस व्हेन वी मेक दिस एटमॉस्फियर। हम कई बार जो है ये वातावरण को बनाते हैं, अपने पुकार को, हम अपने वर्शिप को, हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, सब कुछ तैयारी करते हैं आज के समय में, और फिर परमेश्वर हमें वचन से अपने तरीके से हमसे बातचीत करते हैं। हम दूसरा घटना हम देखेंगे, इट शोफा इज यूज्ड एज ए बैटल क्राई, युद्ध के समय तूरी फूका जाता था। यहोशू 6:20, उसमें देखते हैं कैसे इसराइली लोग वायदा देश पहुंच गया और यर्दन भी पार कर दिया। अब उनको अलग अलग लड़ाई लड़ना है, अलग अलग शहरों को जो वहां आक्रमण किया उन लोग के ऊपर लड़ाई करके उसको उस लैंड को पोजेस करना है। उस समय यहोशू ने यरीको को, नगर को आक्रमण करना था, और फिर उस समय हम देखते हैं, आपको सब पता है कैसे 6 दिन एक एक चक्कर और 7वां दिन 7 चक्कर, और 7वां दिन 7वां चक्कर में फिर 7 याजक नरसिंगा लेके आगे चलते गए। और हम मैं पढ़ रही हूँ यहोशू 6:20, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। सो इफ वी आर फाइटिंग ए बैटल देन वी हैव टू क्राई आउट टू गॉड। जैसे ये लोग नरसिंह फूका, जब चुप होना है, जब बोलना है, पुकारना है, हर एक चीज के लिए समय है। जब ये लोग नरसिंह लंबी, जब आखिरी सारा प्रोसेसिंग हो गया, मतलब चक्कर चुप
चाप से चक्कर लगाना हो चुका है, अब शाउट करने का, जय जयकार का ध्वनि सुनने का, विक्ट्री का साउंड सुनाने का समय आ गया है। एंड देन दे शाउटेड फॉर विक्ट्री, देन दे रिसीव द विक्ट्री। हालेलुया। इस प्रकार से हम यहोशू 6:20 में शोफा बजाते ही यरीको दीवारें नींव से गिरना हम देखते हैं, और लोग जाके उसको, उस नगर को इसराइली लोग लेते हुए हम देखते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा घटना देखेंगे जल्दी से, न्यायों का किताब, जजेस चैप्टर 7 वर्स 20। ये गिदियोन का की कहानी है, मैंने इसका एपिसोड भी बनाया। और गिदियों कितना डरपोक था, कितना वो शत्रु से कितना डरे हुए थे, लेकिन गिडियनाइट्स डरे हुए थे, उसके बाद भी परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गिदियोन को इस्तेमाल किया। हम देखते हैं बहुत सारे बातें, उनको डाउट्स था, परमेश्वर ने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किया। बहुत बड़ी भीड़ थी, उन सबको कम करते करते 300 लोगों को सिर्फ रखा है, ताकि लोग अपने आर्मी का घमंड ना करें, मैं इतना संख्या है हमारे पास, तो इसलिए अपना मैन पावर के ऊपर घमंड ना करें। परमेश्वर ने सिर्फ 300 लोग। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक हाथ में घड़ा था, एक हाथ में उसको घड़ा तोड़ दिया, और फिर उसका जो टॉर्च है वो हाथ में, और दूसरे हाथ में नरसिंह। दे ब्लू द ट्रम्पेट, दे ब्रोक द पिचर्स, एंड दे लिफ्ट अप द लैम्प्स। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, न्यायों का किताब 7:20। तब तीनों झुंड ने नरसिंहों को फूका, घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाएं हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदियोन की तलवार। इस तरह से किया और शत्रु तितर बितर हो गया है, और इनको लड़ाई लड़ना नहीं पड़ा, लड़ाई ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि देर वॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप एंड दे फ्लेड। हालेलुया, वो भाग गए। हालेलुया। ऐसे हम तीसरी घटना देखते हैं, और शोफा जो है ये सेलिब्रेशन के लिए, खुशी मनाने के लिए, वर्शिप के लिए, और कुछ खास दिन होते हैं, जैसे इसराइल में रोश हशाना बोलते हैं, द न्यू ईयर, जूश न्यू ईयर, जो क्रिएटर, जो सृष्टि कर्ता ने अपनी सृष्टि को जब से किया है, वो नया साल में ये लोग गिनती के अनुसार, अभी 5784 होता है, फिर सितंबर में एक नया संख्या बदल जाती है, तो इस तरह रोश हशाना, और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद यॉम किपुर, यानी कि डे ऑफ एटोनमेंट। ये इसराइली फेस्टिवल्स है, बहुत हाई हॉलीडेज बोलते हैं इसको। यॉम किपुर का मतलब है ये जो महायाजक जो साल में एक बार इसराइली लोगों का पाप का प्रायश्चित करते थे, लहू मर्सी सीट, कृपा सिंहासन के ऊपर लहू छिड़काते थे, महापवित्र स्थान में जाकर वो सारे जो हाई हॉलीडेज ये मनाने के लिए ये शोफा बजता है। हालेलुया। और वर्शिप के लिए भी शोफा बजता है। और फिर हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किंग्स को एनॉइंट करते समय, लीडर्स को चुनते समय ये भी शोफा बजता है, कि हम देखते हैं कि राजा सुलेमान को जब अभिषेक किया है, 1 किंग्स 1:39 और 40, वहां पे सुलेमान को जब नबी ने ऑयल मतलब वो तेल उंडेलता है, और फिर उसके साथ में तूरी फूका जाता है, क्योंकि द ब्लोइंग ऑफ शोफा इज लाइक पुटिंग एन सील ऑन एन ऑफिशियल लेटर, एक ऑफिशियल लेटर के ऊपर एक मुद्रा लगाना या दस्तखत करना कितना इम्पोर्टेंट है। उस समय जब एक कोई लीडर को अनॉइंट करते हैं, राजा को अनॉइंट करते हैं, साथ में तूरी भी बजता था। इट वाज लाइक इसराइली कस्टम दोस डेज। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी लोगों को इकट्ठा करना हो, कुछ सॉलिम मोमेंट्स होते हैं, तो जोएल नबी किताब
दूसरा अध्याय एक में, मैं नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन वहां पे लिखते हैं, ही ब्लू द ट्रम्पेट एंड ही कॉल्ड द पीपल फॉर रिपेंटेंस, पश्चाताप करने के लिए, अपना जीवन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, अपना जीवन को एग्जामिन करने के लिए, कई गलतियां हैं तो माफी मांगने के लिए, रिपेंटेंस करने के लिए, और फिर नई तरीके से जीने के लिए, रिफ्लेक्शन, रिपेंटेंस एंड रिन्यूअल। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी वो एक शोफा बजाते थे, अपना जीवन को रीडेडिकेट, पुनर तरीके से वो शुरुआत करने के लिए, अपना जीवन को नई तरीके से समर्पित करने के लिए ये शोफा बजाते थे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, टू प्रोक्लेम अ जुबली ईयर। जुबली ईयर क्या होता है? जुबली ईयर मतलब 50वां साल इसराइल में जुबली ईयर मनाया जाता है था। और फिर 49, 7 × 7, 49 में भी खेत को खाली रखना है, और फिर 50th जुबली है तो उसको भी खाली रखना है, फिर जाके तीसरी साल जो है शुरुआत करते थे, और आखिर में उनको फसल मिलते थे, यानी कि 3 साल तक वो, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, डबल हार्वेस्ट दूंगा, ट्रिपल दूंगा, ताकि आप पुराना अनाज खाते रहोगे, तो कोई बात नहीं, आप जुबली ईयर सेलिब्रेट करो, जुबली ईयर, 50th ईयर में ऑल द फैमिली मेंबर्स विल कम बैक टू द फैमिली, ऑल द पोजेशंस मतलब जो कुछ गिरवी में इधर उधर उधर जो कुछ चला गया, वो सब राइटफुल ओनर वापिस अपना ओनर के पास पहुंच जाते हैं। फैमिली मेंबर्स जो गुलामी के रूप में या किसी और तरीके से फैमिली से अलग हो गया, सब वापिस आ जाते हैं। एवरीथिंग विल कम बैक टू इट्स प्लेस एंड देर इज लॉट ऑफ लिबर्टी एंड जुबिलेशन, हालेलुया, सेलिब्रेशन। ये जुबली ईयर में भी तुरी फूका जाता था। दो वचन मैं पढ़ती हूँ, लेवी व्यवस्था 25:9 और 10, 7वें महीने के 10वां दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और 50वें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वो वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाएगा। हालेलुया। सो दिस इज कॉल्ड जुबली ईयर एंड दिस टाइम द ट्रम्पेट इज ब्लोन, शोफा बजाया जाता है। और फिर उसके बाद ग्रेट जजमेंट डे, आपको पता है तुरी का जो न्याय का समय में भी, देर आर 7 ट्रम्पेट्स ब्लोन बाय 7 एंजल्स एंड देर वॉज जजमेंट, न्याय का समय में भी तुरी फूका जाता है। तो दो वचन पढ़ती हूँ, सपनैया 1:15 और 16, वो रोष का दिन होगा, वहां संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन होगा, वो गढ़ वाले नगरे और ऊंचे गुमटों का विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। सो इवन वेन देर इज जजमेंट, देर इज अ ट्रम्पेट इज गोइंग टू ब्लो, बट नॉट फॉर गुड थिंग, फॉर जजमेंट, अच्छा चीज के लिए नहीं है, न्याय के लिए ये तुरी बजाया जाता है। इसलिए हम सावधान रहना है, परमेश्वर के भय में चलना है, और उस न्याय का हमको सामना नहीं करना, विश्व हम क्रोध का कारण नहीं बनना है, परमेश्वर का रैप्चर का कारण बनना है, कि रैप्चर भी लिखा है लास्ट डे, वो परमेश्वर तूरी के द्वारा ही अपना कलिसिया को भी उठा लेंगे। ये हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:51 और 52, और फिर उसके बाद 1 थिस्सलुनीका 4:16 और 17, ये मैं बहुत बार, 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, तो मैं ये 1 कुरिन्थियों 15, 1 कुरिन्थियों 15:51 और 52, आपको रैप्चर के बारे में, जहां पे तुरी फूका जाता है,
रैप्चर के बारे में आपको बता रही हूँ। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और उस क्षण भर में पलक मरते ही अंतिम तूरी फूकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। जो जिंदा है बदल जाएंगे, जो मसीह में सोए हैं वो बदल जाएंगे। ये सब कुछ कब होगा? जब अंतिम तूरी फूकी जाएगी, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं बादलों में दिखाई देगा, बहुत सारे संत भी उनके साथ होंगे, तूरी फूकी जाएगी और जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे, जो मसीह में जीवित है वो पलक झपने से पहले बदल जाएंगे, और हम सब आसमान में मिलके अनंत काल का जीवन, अनंत काल की बादशाह में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए हम राज्य करेंगे। तो जल्दी से आई वॉन्ट टू वाइंड अप गिविंग अ समरी ऑफ ऑल द इवेंट्स। ये इसके अलावा भी बहुत सारे बातों के लिए दूरी फूका जाता है, कि मैंने आई लिटिल बिट मेंशन्ड अ फ्यू ऑफ देम। बहुत सारे युद्ध में सिग्नलिंग के लिए, अलर्टिंग के लिए, अनाउंसिंग द ट्रूप्स, 12 गोत्र का जो आर्मी होता है, बटालियंस होता है, उसको अलर्ट करने के लिए, उनको सही से लाइन खड़ा करने के लिए, या युद्ध समाप्त करने के लिए, युद्ध को संदेश देने के लिए, दूसरा जगह पहुंचने के लिए, या शत्रु कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब तरह तरह का बातों के लिए, या पहाड़ में जो परमेश्वर की जो होली माउंटेन में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, होली हॉलीडेज के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, पर्व के लिए, बहुत सारे बातों के लिए ये तूरी फूका जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो इस समय जो आपको बताया है, ये मैंने सबसे पहले जो मूसा के समय में माउंट सीनाई, सीनाई पर्वत पर मूसा को कैसे तूरी के द्वारा, लंबी तूरी बजने के बाद जब मूसा ने सवाल किया परमेश्वर का, उत्तर कैसे आया हमने देखा है। फिर हमने देखा है दूसरी बात, जब यरीको नगर को कब्जा करना था, जब याजकों ने 7वां दिन, 7वां बार, 7वां चक्कर के बाद जब लंबी दूरी फूका गया, वो यरीको का दीवार नींव से गिर पड़े और फिर इसराइली लोग नगर में प्रवेश करके उस नगर को अपने कब्जे में ले लिया, और कैसे गिदियोन ने 300 लोगों के साथ एक हाथ में मटका और मशाल लेते हुए, दूसरा हाथ में तूरी लेते हुए, वो तूरी बजाया, मटका फोड़ा, और फिर एक हाथ में वो टॉर्च और एक हाथ में तूरी जब बजाया उसने, तो वो फिर लोग आए से डर गए और शत्रु भाग गया, हालेलुया। और फिर वहां भी हम देखते हैं कि गिदियोन के द्वारा इसराइलियों को वहां पे युद्ध में मिडियनाइट्स के ऊपर विजय मिला है, हालेलुया। और फिर हमने देखा है बहुत सारे इवेंट्स, जब न्यू मून होता है या पर्व होता है, या न्यू ईयर, ज्यूइश न्यू ईयर होता है, या डे ऑफ एटोनमेंट, रोश हशाना, यॉम कीपुर, ऐसे इसराइली फेस्टिवल्स का टाइम होता है, जरूर सेलिब्रेशन के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जरूर वो शोपा बजाते हैं, तूरी फूंकते हैं, हालेलुया। भजन संहिता 150 में 3 से अगर 6 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से, इवन ब्लोइंग द ट्रम्पेट इज आल्सो यूज्ड एज ए वर्शिप, एज इंटरसेशन, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और फिर उसके बाद पश्चाताप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जुबली ईयर सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर न्याय का समय भी तूरी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर अंत में रैप्चर के लिए भी ये तूरी इस्तेमाल करा जाता है। फिर आखिर में अब हम, आप बोलेंगे अभी हम तूरी नहीं बजाते हैं, हम इसराइल में नहीं रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए ये तूरी क्या है? मैं सिर्फ
दो वचन आपको शेयर करना चाहती हूँ। प्रेरितों का 4:29 और 30 में लिखा है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। हालेलुया। तो नाउ व्हाट इज द बिब्लिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शोफा इन आवर लाइव्स एज ऑन टुडे। आज का समय तूरी क्या है? आज का समय तूरी ये है, वी हैव टू प्रोक्लेम द वर्ड वर्ड ऑफ गॉड। वचन को हम तूरी के जैसे प्रोक्लेम करना है, अपना गवाही को घोषणा करना है, वचन को घोषणा करना है, सुसमाचार की घोषणा करना, और आत्माएं नाश होने वाले आत्माओं को बचाना है, और हमारे ये सुसमाचार का संदेश जो है हियाव के साथ जो जरूरतमंद लोगों को पहुंचाना है, ये हमारी धुरी बजाना है। और फिर अपने गले को परमेश्वर की आराधना करने के लिए इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा के एक रॉयल वर्शिप आराधना के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बातों को ये तूरी बजाने का दिखाता है। ब्लोइंग द ट्रम्पेट इज लाइक प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वर्शिपिंग द लॉर्ड, डिक्लेयरिंग योर टेस्टिमोनी। जैसे उसमें भजन संहिता 118 और 17 में लिखा, मैं नहीं मरूंगा मगर जीवित रहूंगा, किसलिए कि परमेश्वर का कामों को वर्णन करूंगा, घोषणा करूंगा। आई विल नॉट डाई, इमेच्योर डेथ इज नॉट माई पोर्शन, आई विल नॉट डाई बट आई विल लिव। वाई? टू डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ गॉड। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ब्लोइंग शोफा, ब्लोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये है असली अर्थ, ब्लोइंग द शोफा का मतलब है, ये ही असली अर्थ है। प्रोफेटिक वर्शिप, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ शो ब्लोइंग द शोफा एज ऑन टूडे। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा। हालेलुया। हमने देखा है पुराना नियम में प्रभु यीशु, इज़राइल में प्रभु, बहुत तरह तरह का घटनाओं में तरह तरह का मकसद के लिए प्रभु यीशु वो शोफा बजाया जाता, तूरी बजाया जाता था, नरसिंह हूका जाता था। प्रभु यीशु हमने देखा है कई घटनाओं में नरसिंह फूकते हुए हमने देखा है यीशु। आज हम प्रभु तेरे वचन को हम प्रोक्लेम करें, घोषणा करें प्रभु, अपने गवाही को शेयर करें प्रभु, सुसमाचार को फैलाएं प्रभु, और नाश होने वाला आत्माओं को बचाएं प्रभु। यही हमारा तूरी है प्रभु यीशु, और शत्रु को आपने हरा दिया क्रूस के द्वारा। हम भी अपने जीवन में प्रभु तमाम दुष्ट आत्मा के ताकत को हम कुचले ले और एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।